60s में जब पाकिस्तान ने रोम ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता, 70s आपने स्टार्ट किया तो पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप जीता, 78 हमने वर्ल्ड कप जीता, अर्जेंटीना में हमने वर्ल्ड कप जीता, हमने 82 का भी वर्ल्ड कप जीता। 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट की इतनी ज़्यादा एक किस्म की पिजीराई हो गई, जो यंगस्टर है वो क्रिकेट की तरफ रागब हो गया कि बड़ा मुश्किल हो गया फिर हॉकी की तरफ यूथ को आना। 35 लाख रुपया एनुअल बजट है जो सेंटर से या फेडरल गवर्नमेंट से हॉकी फेडरेशन को मिलता है। आपको बड़े टूर्स चाहिए अपनी टीम को, एक कंटिन्यूसली उनकी उनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए, उनका स्टेटस इम्प्रूव करने। सिक्सटीज में जब पाकिस्तान ने रोम ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता, 70s आपने स्टार्ट किया तो पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप जीता, 78 हमने वर्ल्ड कप जीता, अर्जेंटीना में हमने वर्ल्ड कप जीता, हमने 82 का भी वर्ल्ड कप जीता। थोड़ा सा बीच में एक गैप आया पाकिस्तान की हॉकी का, जब पाकिस्तान ने ओलंपिक जीती 84 की, तो उसमें अगले जो 4-5 साल हैं वो पाकिस्तान की हॉकी के लिए अच्छे नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान ने रिकवर किया। रिकवर करके फिर जब 90 में एक नेशनल स्टेडियम लाहौर बनाया गया, इसमें जब आप पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप होस्ट किया 90 का, तो पाकिस्तान ने उस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, फाइनल में जाके पाकिस्तान की टीम वो हारी 90 का जो वर्ल्ड कप है। 94 के वर्ल्ड कप से पहले हमने लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट की, और चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने लाहौर में जीती, तो एक बड़ा बूस्ट मिल गया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से, और ये हो गया कि पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप में जा रहा है, तो देवर वन ऑफ द फेवरेट्स एट दैट टाइम। और सारे इवन जो प्लेयर्स थे, जिस तरह ताहिर जमान था, कमरान अशरफ सेंटर में था, राइट आउट आसिफ बाजवा था, स्टार प्लेयर था शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर को भी साथ लेके गए हुए थे, शफकत महमूद था, नवीद आलम था अल्लाह बख्शे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मंसूर अहमद थे गोलकीपर। तो वो एक इतना अच्छा स्टार स्टडेड वो टीम होती थी, वो एक स्टार्ट था दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की हॉकी बेसिकली है क्या, और पाकिस्तान का हॉकी का एक स्टेटस और स्टैंडर्ड क्या है। लेट 70s में पूरी, बल्कि अर्ली 70s से लेकर आप देखें कि कोई भी अच्छा प्लेयर आएगा, फौरन उसको कस्टम में जॉब मिल जाती थी, फौरन उसको PIA में जॉब मिल जाती थी। एक यंगस्टर जो 18-19 साल का आता है स्पोर्ट्स में, अगर उसको अच्छी जॉब मिल जाए तो फिर उसका सारा फोकस, पैसे तो उसको मिल रहे हैं, सारा फोकस उसकी उसका चला जाता है गेम को में एक्सेल करने के लिए। मीडिया प्रोजेक्शन जो होती है ये भी एक प्लेयर को बनाने में बड़ा काउंट करती है। उस वक़्त एक बहुत ज़्यादा मीडिया की प्रोजेक्शन थी हॉकी के लिए, एक तरह से मैं आपको कहूं कि अगर दुनिया में ट्रेंड सेट किया है हॉकी में और हॉकी को पॉपुलर बनाया है, तो वो एक पाकिस्तान की या इंडो पाक की हॉकी की जो एक स्पेशलिटी थी, जो अटैकिंग गेम था, जो खूबसूरती थी उनके फॉरवर्ड्स की, बाल को लेके जाना, अटैक करना, अपने में एक तरह से यूनाइटेड होके टीम को, एक दूसरे को पासेज, और अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है वो अगर स्टार्ट किए तो पाकिस्तान ने, और उसके बाद इंडिया ने किए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने प्रपोज किया, वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने प्रपोज किया। 94 में हमने वर्ल्ड कप इसलिए जीता कि हमारे पास पीछे एक पूल ऑफ प्लेयर्स था, वो चला आ रहा था 86 से, वो तो हॉकी में था, उनको जॉब्स मिली हुई थी, उनको हर किस्म की सिक्योरिटी थी, उनको इंटरनेशनल लीग्स में भी वो खेलते थे, बाहर जाके खेलते थे, पैसे उन्होंने अच्छे बनाए हुए थे, नाम उनके जाने माने नाम थे। तो वो तो सिलसिला तकरीबन मेरा ख्याल है 96 से अटलांटा ओलंपिक तक चला। अटलांटा ओलंपिक में भी हमारी टीम बड़ी अच्छी थी, लेकिन वहाँ पे झगड़े ऐसे हो गए कि आधी टीम पहले गई, आधी टीम बाद में गई, तो वो यूनिट से ही, एक टीम यूनिट जो बनता है और टीम बन के जब परफॉर्मेंस होती है वो न बन सकी, इसलिए वो प्रॉब्लम वहाँ से मेरा हल्ला पाकिस्तान के प्रॉब्लम शुरू हो गए। और उसके बाद 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट की इतनी ज़्यादा एक किस्म की पिजीराई हो गई, लोग इतना ज़्यादा वनडे क्रिकेट को देखना और ग्राउंडों में आना, और जो यंगस्टर है वो क्रिकेट की तरफ रागब हो गया
कि बड़ा मुश्किल हो गया फिर हॉकी की तरफ यूथ को आना, और साथ साथ फिर डिपार्टमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने टीमें कम करनी शुरू कर दी। 35 लाख रुपया एनुअल बजट है जो सेंटर से या फेडरल गवर्नमेंट से हॉकी फेडरेशन को मिलता है। सिंध गवर्नमेंट एक उन्होंने 10 करोड़ रुपया हॉकी के लिए रखा, ब्रिगेडियर खालिद शहजाद खोकर ने एफर्ट करके वहाँ से अप्रूव कराया, वो भी 1-2 साल से उन्होंने नहीं दिया। लेकिन अगर आप यूरोप का टूर करते हैं तो आपका 5 करोड़ रुपया लगता है, अगर आप मलेशिया और इस तरह की कंट्रीज़ का टूर करते हैं, एशिया में रहते हैं तो आपका राउंड 2.5 से 3 करोड़ रुपया लगता है। आपको बड़े टूर्स चाहिए अपनी टीम को, एक कंटिन्यूसली उनकी उनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए, उनका स्टेटस इम्प्रूव कर। प्रोविंसेस को अगर वो अपने पास मिनिस्ट्री रखना चाहते हैं फिर स्टेप इन करना पड़ेगा, सपोर्ट करनी पड़ेगी अच्छी स्पोर्ट्स को। जो आपका टॉप का पूल है फाइनेंशियली उसको हेल्प करें ताकि उसका फाइनेंशियल बर्डन उसके सर से बिल्कुल हट जाए। दूसरी तरफ उनको एक्सपोजर दें, हमारे पास एक्सपोजर नहीं है कि हम कितने अरसे बाद हम ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड खेलें, आज हम अजलान शाह खेल रहे हैं, आगे फिर हमने नेशन कप खेलना है और नेशन कप के बाद हमने क्या करना है कोई पता नहीं। प्रो लीग में अगर आप चले जाते हो तो फिर हॉकी आजकल प्रो लीग से डिवेलप होती है। प्रो लीग का मतलब है टॉप 10 टीम्स अराउंड द वर्ल्ड, अगर उनमें आप आते हो तो फिर आप हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप इंटरनेशनल मैच खेलोगे होम एंड अवे बेसिस पे, और उस तरह टीम की डेवलपमेंट होती है। हॉकी में भी अंडर 13 और अंडर 16 लेवल पे आप टूर्नामेंट्स ऐसे कराएं जिसमें प्लेयर को एक तो प्रोजेक्शन मिले। आप 3-4 साल अगर अंडर 16, अंडर 13 और अंडर 19 लेवल पे आप इवेंट्स अच्छे करा जाएं तो प्लेयर का पूल जो है वो डिवेलप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.